Assalamualaikum viewers, मेरा नाम है तस्कीन ज़ारा। आज मैं आपको एक ज़ालिम शख्स का किस्सा सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शख्स साहिल के किनारे बैठा पुकार पुकार कर कह रहा था, जो शख्स मुझे देखे वो किसी पर जुल्म ना करे, जो शख्स मुझे देखे वो किसी पर जुल्म ना करे। एक शख्स ने उसकी पुकार सुनकर पूछा, ए शख्स तेरी क्या कहानी है? उसने अपनी ये कहानी सुनाई। मैं एक सिपाही था, एक दिन साहिल पर आया, मैंने एक शिकारी को देखा। उसने एक मछली पकड़ी, मैंने उससे कहा ये मछली मुझे दे दो। उसने इनकार किया, मैंने कहा ये मेरे हाथ फरोख्त कर दो। उसने इससे भी इनकार किया। मैंने उसके सर पर एक कोड़ा मारा और मछली उससे छीन ली। मछली को हाथ में लटकाते घर की तरफ चल पड़ा। अचानक मछली ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया और चबा डाला। अंगूठा छुड़ाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अंगूठा उस वक्त निकला जब उसमें सुराख हो चुके थे। मैंने एक तबीब को दिखाया, उसने बताया ये मर्ज़ आगला है, अंगूठा काटना पड़ेगा वरना ये मर्ज सारे जिस्म में फैल जाएगा और तू हलाक हो जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा दिया लेकिन मर्ज हाथ तक बढ़ गया। फिर मैंने हाथ कटवा दिया, मर्ज फिर आगे बढ़ा तो मैं चीख पड़ा, वहशत के अंदाज में भाग निकला। जंगल में एक दरख्त के नीचे मुझे नींद आ गई। किसी ने खौफ में कहा कब तक तू अपने आज़ा एक एक करके कटवाएगा, जिसका हक छीना है लौटा दे। उस वक्त मुझे वो मछली याद आई। मैं फ़ौरन साहिल पर पहुंचा, शिकारी वहां मौजूद था। उसे अपना हाल बताया, उससे माफ़ी मांगी। मेरा हाल देखकर उसने कहा मैंने तुझे माफ़ किया। उसके ये कहते ही मेरे हाथ के कीड़े गिरने लगे। मैंने उससे पूछा आपने क्या बद्दुआ की थी, इतना तो बता दें। उसने बताया, मैंने कहा था ए अल्लाह तूने ही उसे और मुझे पैदा किया है, उसे मुझसे ताकतवर बनाया है और मुझे कमज़ोर, उसने मुझ पर जुल्म किया है, ना तूने मुझे बचाया ना इतनी ताकत दी कि उसके जुल्म से महफूज रहता, अपने आप को उससे बचा लेता। मैं तुझसे तेरी उस कुदरत के वसीले से सवाल करता हूँ जिससे तूने उसे ताकतवर बनाया और मुझे कमज़ोर बनाया, उस शख्स को मखलूक के लिए इबरत बना दे। ये बद्दुआ सुनाने के बाद उसने कहा लेकिन अब मुझे महसूस हुआ है तेरे साथ ज़्यादती हुई है, एक मछली के खातिर मुझे ऐसी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए थी, लिहाजा अब तू मेरी तरफ से ये कबूल कर ले और इसे अपने काम में ला। ये कहकर उसने मुझे 20,000 दरहम दिए। लिहाजा मैं पुकारता रहता हूँ, जो मुझे देखे वो किसी पर जुल्म ना करे, जो मुझे देखे वो किसी पर जुल्म ना करे। ये कहानी थी जुल्म का इबरतनाक अंजाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल इस्लामिक वीडियोस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।